कि अमेरिका पर दबाव बनाने की हो रही है कोशिश। कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु वार्ता रुकी हुई है। अमेरिका लगातार परमाणु मसले पर उत्तर कोरिया के साथ बातचीत से बचने की कोशिश में है। इसी गतिरोध के बाद भी उत्तर कोरिया लगातार अपने मिशन में लगा हुआ है, तो क्या एक के बाद एक अपने मिशन को अंजाम दे रहा उत्तर कोरिया अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? किम जोंग उन की निगरानी में परीक्षण। उत्तर कोरिया ने तेजी से रॉकेट दागने की क्षमता हासिल कर ली है। अमेरिका के साथ गतिरोध के हालात के बीच उत्तर कोरिया ने 28 नवंबर को पूर्वी सागर में दो मिसाइलों का परीक्षण किया। हालांकि मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। दक्षिण कोरिया की सेना ने ये जानकारी दी। ये स्थिति तब है जब परमाणु मसले को लेकर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच गतिरोध के हालात हैं। परमाणु मसले पर अमेरिका के साथ वार्ता में आए गतिरोध के बीच उत्तर कोरिया ने तेजी से रॉकेट दागने की क्षमता हासिल कर ली है। उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने तेजी से रॉकेट दागने में सक्षम एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के परीक्षण पर संतुष्टि जाहिर की। किम की निगरानी में इस रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया गया। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि उत्तर कोरिया की ओर से कम दूरी के दो रॉकेट समुद्र में दागे गए। उसके नए सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का ये चौथा परीक्षण था। मल्टीपल रॉकेट दागने में सक्षम हुआ। विशेषज्ञों की माने तो उत्तर कोरिया ने अगस्त में KN-25 रॉकेट लॉन्चर से पर्दा उठाने के बाद कई परीक्षण किए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि वो अपने मोबाइल लॉन्च व्हीकल के जरिए तेजी से मल्टीपल रॉकेट दागने में सक्षम हो रहा है। ये क्षमता हासिल होने से उत्तर कोरिया अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया या अमेरिका की ओर से होने वाले किसी भी हमले की स्थिति में तेजी से जवाबी कार्रवाई कर सकेगा। 30 सेकंड में दो रॉकेट दागने में सक्षम। JCS के अनुसार सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का अगस्त से ही परीक्षण चल रहा है। उस समय ये 19 मिनट में दो मिसाइलें दाग पाता था, लेकिन अब इसी काम को महज 30 सेकंड के अंदर अंजाम देने की क्षमता हासिल हो गई है। अमेरिका को याद दिलाई समय सीमा। किम किस साल के अंत तक की समय सीमा तय। उत्तर कोरिया ने अपने ताजा परीक्षण के जरिए अमेरिका को ये याद दिलाया है कि वो परमाणु वार्ता में आए गतिरोध को दूर करने के लिए लचीलापन दिखाए। किम ने इसके लिए साल के अंत तक की समय सीमा तय कर रखी है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 31 अक्टूबर को मिसाइल परीक्षण किया था, जब शासन ने एक बड़े रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया था। इसका मकसद भी फरवरी से रुकी परमाणु वार्ता के लिए नई शर्तों को अमेरिका को स्वीकार करने के लिए बाध्य करना था।